नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्राफिनोम में। आज हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे रिसेंटली वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस में बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, मैटर फाइव स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आखिरी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मैटर के बाकी स्टेट्स की तरह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए इस पर अध्ययन करना और भी कठिन हो जाता है। पहले इसका इतिहास जानते हैं। आम तौर पर एटम्स जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जुड़े हों तो वह सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर्म करते हैं। पर सन 1924 के दौरान सत्येंद्रनाथ बोस, जो कि एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पहली बार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जैसे स्टेट ऑफ मैटर की कल्पना की। हालांकि वह इसके अस्तित्व या एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर सके। फिर सन 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल विनमैन को इस परीक्षण में कामयाबी मिली। इनके द्वारा गैस का प्रयोग किया गया जो रुबीडियम एटम से बनी थी। इस गैस के तापमान को जब 0 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन तक लाया गया, जिसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है, तो इसके सभी एटम्स आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह काम करने लगे। पर धरती पर ग्रेविटी के कारण यह ज्यादा देर तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। परंतु स्पेस में यह समस्या नहीं है, क्योंकि वहां एस्ट्रोनॉट्स को लगभग जीरो ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब बीईसी ज्यादा समय के लिए वहां एग्जिस्ट कर सकता है। यहां इस सूरत में ज्यादा समय का मतलब है ज्यादा जानकारी एकत्र करने का मौका। इस परीक्षण को अंजाम दिया गया है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। यहां पर जिस फैसिलिटी का प्रयोग ISS पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के परीक्षण के लिए किया गया है, उसका नाम है कोल्ड एटम लेबोरेटरी। इसे 27 जुलाई 2018 में नासा ने ISS पर इंस्टॉल किया था, जिसे वैज्ञानिक धरती से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हासिल जानकारी वैज्ञानिकों की मदद कर सकती है ग्रेविटेशनल वेव्स और डार्क एनर्जी के अध्ययन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।